दोस्तों इस साल की जो ब्लॉकबस्टर KGF नंबर वन मूवी जो मानी जा रही थी, वो बोला था कि ये बॉलीवुड के और साउथ के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और ये ऐसा सच में हो रहा है दोस्तों। ये तो एडवांस बुकिंग से ही सबके फाड़ के चल रही है दोस्तों। मैं क्रेजी रिपोर्ट आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा ना, तो आप भी देखोगे यार इतना तो क्रेज कितना ज़्यादा है इसका, वो भी हिंदी ऑडियंस के अंदर ही इतना ज़्यादा इसका क्रेज है जो सपोर्ट कर रही है इस मूवी को। पर उससे दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको पता ही इसमें आपको कुछ भी नहीं जाएगा, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर दिखाना और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए बात करते हैं KGF चैप्टर 2 के क्रेज को लेके। तो दोस्तों आपको पता ही कि जर्सी रिलीज हो रही थी उसी दिन, अब उसको पीछे ले लिया गया, उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिया, अब वो 22 अप्रैल को रिलीज करेंगे। दोस्तों सब लोग ये नहीं कहेंगे कि किसी कारणवश किसी टेक्निकल चीज़ से उन्होंने अपनी डेट को आगे बढ़ा दिया, सब लोग दोस्तों ऐसे ही कहेंगे कि डर के मारे इसने अपने जो कदम है पीछे ले लिए, अब वो KGF को साथ रिलीज करना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें नुकसान नहीं चाहिए, वो सब आप जानते हो। अब दोस्तों साथ में अब तो ये भी हो गया जो KGF की जो जर्सी की ऑडियंस है दोस्तों, अब तो KGF तरफ खिसक के आ गई है। आपको पता ही है अब तो और ज़्यादा KGF पे क्रेज अब और ज़्यादा चढ़ेगा क्योंकि अब उसके आसपास कोई ही नहीं, और अगर आसपास उसके मूवी कोई होती भी तो भी नहीं टिक पाते, वो सब आप जानते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक एक रिपोर्ट रखता हूँ दोस्तों। ये 5 दिन की रिपोर्ट है, मैं आपको 2 रिपोर्ट बनाऊँ। लास्ट वाली रिपोर्ट सबसे पहले दोस्तों वो देख के भी आप जाना। तो अपन बात करते हैं मलयालम, मलयालम में दोस्तों इसने 2 करोड़ की अभी कमाई की है। साथ में बात करें इसने कन्नड़ा के अंदर दोस्तों इसने 7 लाख की कुछ आसपास की कमाई की है, और दोस्तों इसने तमिल और मलयालम में बराबर 2-2 करोड़ की इसने कमाई की है। और बात करें हिंदी की दोस्तों इसने 14.5 करोड़ की इसने आराम से कमाई कर चुका है। टोटल निकाले दोस्तों 24-25 करोड़ के सामने निकल के आता है एडवांस बुकिंग का। और जो अब मैं जो रिपोर्ट बता रहा हूँ दोस्तों वो करंट रिपोर्ट है, अभी तक की रिपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेज है। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ क्या क्या इसने कितनी कितनी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इसने सपोर्ट दिखाया है और कौन इस मूवी को सपोर्ट कर रही है। तो मलयालम के अंदर इसको 2.2 करोड़ की कमाई हुई है, इसको कन्नड़ा के अंदर दोस्तों 8 करोड़ की कमाई हो चुकी है, यहाँ पे इसको सिर्फ तेलुगु से 9 लाख की कमाई करी है। मेरे को देखने के लिए मिल रहा है कि जो तेलुगु साइड है उससे ज़्यादा इसको सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा, शायद आगे और सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अभी तो 9 लाख की इसकी कमाई निकल के आ रही है एडवांस बुकिंग से। और बात करें तमिल से दोस्तों इसने 2.2 करोड़ की कमाई करी है, इतनी इसने कमाई करी है। और बात करें हिंदी से दोस्तों, हिंदी इसने 15.5 करोड़ की इसने कमाई कर ली है हिंदी से। अब इन सबका टोटल निकाला जाए तो दोस्तों इसकी 30 करोड़ मिनिमम लगभग 30 करोड़ के निकल के आती है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों 30 करोड़ तो इसने यहीं पे कर लिए। इसका दोस्तों टारगेट है कि इसे 40 से 50 करोड़ इसको फर्स्ट डे का कलेक्शन जरूर करना है, तभी दोस्तों हम इसको और ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी, क्योंकि दोस्तों इतने तो चाहिए 40-50 करोड़, 60 करोड़ अगर दोस्तों कर लेती है तो इतिहास रख देगी इंडियन सिनेमा के अंदर, इतिहास रच के चल जाएगी मूवी। और दोस्तों आपको ऐसी रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है, और मैं दोस्तों जल्दी KGF चैप्टर 1 का रिव्यू लेकर आ रहा हूँ, डिटेल्स रिव्यू आपको मैं बताऊंगा। उसमें दोस्तों अपन वीडियोज़ में अपन शेयर करेंगे क्या क्या डिटेल अपने से छूटी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और ऐसी अपडेट और मूवीज़ रिव्यूज़ देखते रहने के लिए आपके साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तब के लिए टाटा बाय बाय।